न्यूज 18 इंडिया पर आपके साथ मैं मानव यादव और मेरे साथ आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि राखी का त्यौहार नजदीक है और एक साड़ी मेरे हाथ में है, बच्चों के कपड़े हैं और तस्वीर में आपको एपी सिंह साहब जो सीमा सचिन के वकील हैं खुद यहाँ पर बैठे हुए मौजूद। तोहफा लेके आए आप सीमा के लिए, राखी बांधी है? राखी बांधी है, बिल्कुल राखी बांधी। हमारे यहाँ राखी का बंधन ये सिर्फ कच्चा धागा नहीं है, ये प्यार है, ये प्यार की रीति रिवाज पद्धति संस्कृति हमारी मान मर्यादा सारी कुछ, हमारी इज्जत सम्मान की परवाह मेरी बहन को रहती है और बहन के सारे दुखों की चिंता भाई को रहती है, ऐसी हमारी सामाजिक परंपरा है, ऐसी सनातन धर्म की पद्धति और रीति रिवाज है, इसीलिए हम इसको निभाएंगे। अभी तक आप सीमा और सचिन के वकील के रूप में काम कर रहे थे लेकिन अब आप भाई बन गए सीमा के हाथ से। आज से भाई हूँ, पक्का भाई हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे जीवन भर, राखी बंधन का त्यौहार पूरे जीवन भर की शपथ है कि इसके सारे दुख मेरे दुख और मेरे सारे सुख जो भी हैं, छोटे बड़े जितना भी हूं जैसा भी हूं, वो मेरे सारे सुख मेरी बहन के हैं। ये हमारे संस्कारों में हमारे माता पिता ने सिखाया था बचपन में छोटा था कि बेटा जब भी बहन के यहां से फोन आए, बुलावा आए, पहले नाई आते थे बुलाने के लिए कि अगर जब संदेश आ जाए और तुम भोजन कर रहे हो तो भोजन छोड़ देना, हाथ मत धोना, हाथ बहन की ससुराल में धोना जाके और सीधे वहीं पहुंच जाना। तो ये प्यार ये संस्कार हमारे हैं। सीमा आपने बुलावा भेजा था, राखी भेजी थी भाई एपी सिंह जी को जो आपके भाई बन गए, क्या मन में है कि राखी भेज के एक तरीके से जो लंबे समय से आपकी मदद भी कर रहे हैं? मैंने अपने मन से भेजी थी राखी इनको, मैंने इनको राखी भेजी तो ये यहाँ आ गए तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। मेरी डबल नहीं दुगनी तिगनी खुशी हो गई। पहला रक्षाबंधन है मेरा यहाँ पे और पहली राखी मैंने इनको बांधी, ये मेरे घर पे आए, माता जी मेरे घर पे आई हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं डॉक्टर एपी सिंह वकील साहब की बहन बनी। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा जरूर कोई अगले जन्म में कोई अच्छा काम करा होगा जो भगवान ने इस जन्म में ये भाई दिया। तो आपके भैया आपके लिए क्या क्या लेके आए जरा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। कुछ लेकर आए, साड़ी है मेरे लिए, बच्चों के कपड़े हैं, मिठाइयाँ, खाने पीने जो भी है बहुत कुछ लेकर आए हैं। अच्छा, अब भारत में आपकी पहली राखी है, पाकिस्तान में भी राखी होती थी, वहाँ पर राखी मनाई जाती है, क्या मनाने देते हैं लोग वहाँ पर? वहाँ मैंने कोई भी जिंदगी में भाई बहन का त्यौहार नहीं देखा, ये गहरी मेरा पहला रक्षाबंधन है और हिंदुस्तान में है और पहली राखी मैंने इनको बांधी है तो मेरे लिए बहुत खुशी और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वहाँ पर भी हमारे हिंदू भाई लोग रहते हैं तो वहाँ पर रक्षाबंधन मनाया जाता है कि लोगों पर दबाव रहता है कि हिंदू त्यौहार नहीं मनाया जाए? मैं बता रही हूँ आपको, मैंने कभी भी कोई वहाँ त्यौहार नहीं देखा था, हालांकि मैं मनाती थी भी तो मुझे ये बताते थे सचिन बताते थे यहाँ तो ये यहाँ से पूछ के बताते थे, मैं वहीं पे मनाती थी। जैसे नवरात्रि हो गई, 9 दिन जैसे व्रती रहना था और करवा चौथ हो गया, इस तरह की चीजें मैं खुद वहाँ मनाती थी, ये बताते थे क्योंकि मुझे बहुत इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। अब आप भारत में हैं और आपने योगी जी जो यूपी के सीएम है उनको भी राखी भेजी, प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने राखी भेजी है, उनसे क्या मांगेगी सीमा मीणा? पहले तो मैं ये मेरी मुझे उम्मीद है कि मेरी राखी स्वीकार करेंगे, उसके बाद ही देख लेंगे। बिल्कुल, भारत की नागरिकता को लेकर तमाम कोशिशें चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बाद में देख लेंगे, आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है, आज वही बातें होंगी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरे भैया मेरे पास बैठे हैं और मेरे से राखी बंधवाने मेरे घर आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, एपी सिंह साहब एक फिल्म बन रही है कराची टू नोएडा, उसको लेकर भी तमाम तरीके के विवाद चल रहे हैं महाराष्ट्र में तमाम तरीके, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप लोगों से राइट्स आप लोगों ने दिए? हमारी तरफ से सीमा और मेरी तरफ से कोई किसी को अनुमति नहीं है किसी फिल्म के लिए। सीमा भी जांच में भाग चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, सीमा अपने घर में है, बेल पर है और उसके बाद हम इन सब चीजों पर अभी कोई परमिशन नहीं, ना हम कुछ चाहते हैं इस तरह की कोई आलोचना या किसी तरह का करना, कौन क्या कर रहा है मैं इससे कोई मतलब नहीं। तो जो लोग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक शख्स है अमित जानी उनका नाम भी इसमें सामने आया था, तो आप लोग उनसे बात कोई टच में नहीं आपके? वो हमारे कोई टच में नहीं, किसी तरह के टच में, तो यहाँ आए थे हमारा नाम लेके झूठा नाम लेके आके मिले थे, चलो कोई बात नहीं, कोई सीमा के नाम से कोई हमारे नाम से किसी की रोजी रोटी चल जाए, किसी के घर में खुशहाली आ जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, खुशहाली हो जाए कोई आपत्ति। अगर फिल्म बनाते हैं तो क्या उन पर कार्रवाई करेंगे? अभी देखेंगे क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, केवल सुर्खियों में रहना केवल उसके लिए भी लोग करते हैं काम सीमा के नाम का प्रयोग, तो भी कोई बात नहीं, सीमा तो शुद्ध देशी की है,
कोई पराठे में लगा लो, कोई रोटी में लगा लो, कोई खिचड़ी में लगा लो, कोई देसी घी है दाल में डाल लो, कोई सब्जी में डाल लो, जहाँ जिसको स्वाद लगता है सीमा के नाम का प्रयोग कर लेते हैं। भारत में आपकी पहली राखी है और यहाँ पर रक्षाबंधन में कई सारे गाने भी चलते हैं, आपने सुने होंगे, और मैं सुन रहा था आप कुछ गाने गुनगुना भी रही थी, एक बार हमारे दर्शकों के लिए कुछ गाना आप गुनगुना दें रक्षाबंधन पर भाई के लिए। थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना, भैया मेरे। जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी बहन की? नहीं, जिम्मेदारी पांच की जिम्मेदारी नहीं है, 50,000 गुना मानता हूँ मैं, 5 गुना नहीं मानता मैं, तो 50,000 गुना मानता हूँ। यहाँ रिश्ता एक माँ का था बच्चों से, अब ये मामा का रिश्ता में दो माएं जुड़ जाती हैं, दो मामा मामा दो माएं जुड़ जाती हैं, इस रिश्ते को पूरी शिद्दत, इनके बच्चों के अधिकार, इनके अधिकारों के लिए पूरी लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, तन मन धन के साथ लड़ूंगा, पूरे समर्पण के साथ लड़ूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि बहन के दुख सारे भाई के दुख और सारे भाई के सुख सारे बहन के सुख हो जाते हैं, यही रीति रिवाज, यही हमारे संस्कार, यही हमारी पद्धति है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे एपी सिंह साहब को जो वकील हैं सीमा और सचिन के, और फिलहाल अब उन्होंने राखी बंधवाई है सीमा से, तो वो आज से सीमा के भाई बन गए हैं, तमाम तोहफे उनके घर पर लेके पहुंचे, उनकी माँ विमला सिंह यहाँ पर है, बहन गीता चौहान भी उनके साथ यहाँ पर पहुंची, तो पूरा परिवार है रक्षाबंधन मना रहा है।